गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नए नेम रिएक्शंस जिसका नाम है कॉरी हाउस रिएक्शंस। तो देखिए, ये कॉरी हाउस रिएक्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रिएक्शन जो है आपका एक अल्केन बनाने का तरीका है, मेथड्स है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। लेकिन हाँ, कैसा अल्केन? पार्टिकुलरली फॉर द कह सकते हैं अनसिमिटिकल अल्केन के लिए ये वैलिड है। अनसिमिटिकल अल्केन को अगर बनाना है तो हमको एक तरह से कॉरी हाउस रिएक्शंस को हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके जरिए आपका अल्केन तैयार होगा विच इज अनसिमिटिकल्स। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आपको ये रिएक्शंस। सबसे पहले तो हमको बनाना होगा एक रिएजेंट जिसके जरिए हम कॉरी हाउस रिएक्शन से हम अल्केन बनाएंगे। तो वो रिएजेंट का नाम है गिलमान रिएजेंट। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले स्टेप वाइज हम रिएक्शंस को देखेंगे और धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन में आप अल्काइन हैलाइड का यूज करेंगे। ये होगी RX अल्काइन हैलाइड का यूज रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। अल्काइन हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम मेटल इन ऑर्डर टू फॉर्म अल्काइन लिथियम। ये क्या बनाएगा? अल्काइन लिथियम और LiX। यहाँ पे आप दो लगा लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना? अल्काइन लिथियम का फॉर्मेशन। स्टेप सेकेंड में बनाएंगे हम लोग इस अल्काइन लिथियम को। यहाँ पे लाना होगा और इसके साथ रिएक्शन होगा क्यूप्रस आयोडाइड का। क्यूप्रस आयोडाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? आपका R2LiCu plus Li और Li लिथियम का आयोडाइड्स, ये बन गया। अब थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, दो लगा देते हैं। तो ये जो बना यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम है लिथियम डाई अल्काइन क्यूपरेट। लिथियम डाई अल्काइन क्यूपरेट इसका नाम है। इसी को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। इसका काम क्या है? इस रिएजेंट के जरिए हम कार्बन कार्बन सिंगल वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन कार्बन सिंगल वाले, जैसे कि हमको अल्केन बनाना है। अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल वाले। तो ये हो गया हमारा लिथियम डाई अल्काइन क्यूब्रेट। इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिथियम डाई अल्काइन क्यूब्रेट, ये भी सही है। लिथियम डाई अल्काइन क्यूब्रेट, इसे एग्जांपल ले लेते हैं। डाई अल्काइन का मतलब से लिथियम हो गया। अगर यहाँ पे CH3 रख दिए अल्काइल ग्रुप के जगह पे, ये हो गया। तो लिथियम हो जाएगा डाई मिथाइल क्यूब्रेट, ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ लिखें लिथियम CH3CH2 और ये हो गया आपका Cu, इसका नाम क्या होगा? ये हो गया लिथियम डाई मिथाइल क्यूब्रेट, ये हो जाएगा लिथियम डाइथाइल क्यूप्रेट, समझे? उसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं लिथियम CH3CH और ये CH3। अगर हम इसका होल कर दें, इसका नाम क्या होगा भाई? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल क्यूप्रेट। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल क्यूप्रेट ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड गिलमान रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाते हैं। यही गिलमान रिएजेंट की मदद से हम लोग अनसिमिटिकल अल्केन का फॉर्मेशन करने वाले हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या तैयार हो गया? गिलमान रिएजेंट। और अगर हमको अल्केन बनाना है थ्रू कॉरी हाउस रिएक्शंस,
तो गिलमान रिएजेंट के पास पहुंचना ही होगा। तो इसको बनाने के तरीके मैंने आपको बता दिए, सेकेंड स्टेप पे तैयार होंगे। अब इसका ये इसी का यूज करके हम लोग बनाएंगे आपका फाइनली अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही है आपका गिलमान रिएजेंट। अब तो जिसका ये जो है रिएजेंट, अगर हम इसका गिलमान रिएजेंट को यूज किए, सपोज आर हो गया, ये टू आर टू है, ध्यान देंगे ये सी यू इधर भी लिख सकते हैं आप, एल आई इधर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे एक अल्काइन एलिमेंट आर एक्स का रिएक्शन। आर डैश मीन्स डिफरेंट, इसके कंपेरिजन में ये क्या होगा, कोई डिफरेंट अल्काइन ग्रुप हो। तो क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख ले, और ये है एल आई, ये हो गया आर डैश और एक्स। फाइनली कैसे बनाएंगे, तरीका बताते हैं, क्योंकि हमको बनाना है क्या, अल्केन। तो अल्केन का अल्केन को आर आर लिखते हैं, तो एक आर और एक आर इसके साथ आएगा। ठीक है, एक आर आर सी यू, आर सी यू बच क्या गया आपका एल आई और एक्स, तो एल आई और एक्स, इज इट क्लियर। ये जो बना अनसिमेट्रिकल अल्केन, कैसे बना अनसिमेट्रिकल अल्केन, कैसे बोला जाता है, जैसे आर की जगह पे हम लिखें सी एच थ्री और इसके जगह पे सी टू एच फाइव मीन्स इथाइल ग्रुप, ये होगी अनसिमेट्रिकल, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ये कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। मान लो यहाँ पे रख गया आपका सी टू एच फाइव, यहाँ पे अगर ऐसा रख प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, ये अगर आर है तो ये आर डैश, इसको क्या बुलाएंगे, अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन। अब इस पे हम कुछ रख के दिखाते हैं आपको। ये तो हो गया जनरल, अब थोड़ा सा इसके ऊपर रखते हैं, आर के यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें, इसको देखना है, ये आप याद इसको ध्यान में रखिए। यही है आपका ओवरऑल कॉरी हाउस रिएक्शन, कॉरी हाउस रिएक्शन सी एच आर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो सी एच आर शॉर्ट में, जैसे कि बहुत सारे लंबे जब रिएक्शन होते हैं उसको थोड़ा शॉर्ट नाम दे देते हैं, उसी तरह से सी एच आर याद रखें, कॉरी हाउस रिएक्शन। तो इससे क्या बनने वाला है, अल्केन बनेगा अनसिमेट्रिकल अल्केन, पार्टिकुलर नहीं फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आर की जगह पे हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे आर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आर की जगह पे फिर से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे, स्टेप वन आर के जगह पे हम ले लेते हैं सपोज सी एच थ्री बी आर अल्काइल हैलाइड, लिथियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, और ये क्या हो जाएगा एल आई बी आर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं टू एल, इज इट क्लियर। अब ये सी एच थ्री जो बना मिथाइल लिथियम का फॉर्मेशन हुआ क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, ये रिएक्ट करके क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, आपको बता दिए थे गिलमान रिएजेंट। तो गिलमान रिएजेंट क्या होता है, लिथियम डाई अल्काइल, क्योंकि आर के जगह पे ये लिए है, उसके बाद कॉपर क्यूप्रेट, और क्या बन गया आपका फाइनली एल आई लिथियम आयोडाइड, ये बन गया आपका। इसके जरिए हमारा जो गिलमान रिएजेंट तैयार हुआ उसका नाम क्या हो गया, लिथियम, अभी जस्ट बताए थे आपको लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्रेट, लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्रेट, इज इट क्लियर। हाँ, अब ये लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट जो बना है
थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाहेंगे रिएक्शंस। ये बन गया आपका, तो एक बार हम लिख देते हैं लिथियम, यहाँ पे आप लिख लीजिए CH3, यहाँ पे लिख लीजिए CH3, ये हो गया कॉपर, ये हो गया लिथियम। बोले थे RS कुछ अलग लेना है, R जो यहाँ लीजिएगा यहाँ पे कुछ अलग लेंगे RS, यहाँ CH3 लिए, यहाँ पे ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पे BR अल्काइल ले लेते हैं। देखिए उसी फॉर्मेट पे आ रहा है, किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ ध्यान देंगे अभी जस्ट आपको बताया किस फॉर्मेट पे, ये CU था, ये LI था, ये R था, ये R है, क्योंकि ये R जो है ये इथाइल ग्रुप है, ये R इस R से अलग है, तो इसलिए इसको हम RS लिखे और ये BR है। ठीक है, देखिए जस्ट लाइक इस फॉर्मेट पे तैयार हो गया। करना क्या है, C2H5 एक इसके साथ निकल गई जैसे था, जैसे बताया था आपको, तो क्या आ जाए CH3 C2H5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक R है और ये अलग प्रकार का RS अनसिमेट्रिकल अल्केन होगी। अब साथ साथ क्या आएगा, ये और ये हो गया CH3 और CU प्लस, अब यहाँ पे क्या LI और ये BR का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, प्रोपेन बना, क्या बना है प्रोपेन, जो कि एक अनसिमेट्रिकल की, अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि इस तरह से बोलिए आप, उसमें क्या आएगा आर और आर डैश, क्या होगा आर और आर डैश वाला अल्केन बनेगा जो कि अनसिमेट्रिकल। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं ये जो, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये हो गया CH3 होल्ड पर CH, ध्यान देंगे इसका होल्ड बेस, और ये CU और LI प्लस सेम चीज यहाँ पे लेंगे C2H5 और BR, तो क्या बनने बन जाएगा, देखिए ध्यान देंगे एक आइसोप्रोपाइल पार्ट इसके साथ आ जाएगा, तो ये एक जो आइसोप्रोपाइल पार्ट है CH और ये CH3, एक तो आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट किसके साथ होगी C2H5 के साथ, और दूसरा आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट किसके साथ जाएगा कॉपर के साथ, दूसरा आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट कॉपर के साथ, और बाकी LIBR बन गई LIBR। तो ध्यान देंगे ये बन गया, यहाँ भी क्या बना आपका अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन, हाँ सारे रिएक्शन बन गए। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ध्यान देने वाले जो यहाँ पे जो RS लिए है RS हो गया, तो ये R जो ये वाला है कोशिश करना है बेटर एल्ड के लिए या तो CH3BR या फिर CH2BR, मीन्स 1 डिग्री को प्रीफर करेंगे, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री को प्रीफर करेंगे, खासकर ज़्यादातर 1 डिग्री को प्रीफर करेंगे, इससे क्या होगा बेटर एल्ड होगा, बेटर एल्ड का मतलब है आसानी से हमको मिल जाएगा ये। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो R देख रहे हैं, यहाँ पे भी R है, ये जो R है ये वाला R, ये जो R है ये मे भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री भी हो सकता है, ध्यान दें ये वाला गिलमान रिएजेंट वाला R, समझ बात। अब बात आता है कि रिएक्शंस किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, किस मैकेनिज्म के जरिए भाई किस मैकेनिज्म को फेवर करता है, ये करता है SN2 को, आपने SN2 का नाम सुना है तो उसको फेवर करता है ये SN2 रिएक्शन को, SN2 रिएक्शंस, तो ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। ये रिएक्शंस अगर पूछा जाए कॉरी हाउस रिएक्शन CHR किसको फॉलो करता है, CHR अब से याद रखेंगे CHR कॉरी हाउस रिएक्शन किसको फॉलो करता है, कौन से मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म को। आप जानते हैं कि SN2 मैकेनिज्म में ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, क्या होता है, ये सिंपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो निकुलियो फाइल्स का होता है बैकेटिंग होता है, और SN2 में आपको पता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता,
SN1 में कार्बो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन्स, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ध्यान देंगे अब थोड़ा सा समझने बात को, जैसे ऐसा लिखा हुआ R, यहाँ पे क्या है आपका, ये R है, CU है, LI है, यहाँ पे भी R है, ये R डैश है और यहाँ पे X है सपोज। तो क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेंटर बना हुआ, इसकी वजह से X के जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे कौन सा सेंटर है, इस R पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो मैग्नेटिक करेगा इस पर। अब वो न्यूक्लियोफाइल किस फॉर्म में आता है, R माइनस के फॉर्म में आता है, R माइनस के फॉर्म में इस पर आएगा तो क्या बना लेगा, ये तो आपका X एक तरह से लिविंग ग्रुप का काम करेगा, निकल जाएगा और R और ये मिल के क्या बना लेगा, R डैश और ये R यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यही है आपका SN2 के जरिए ये जाने वाला है, समझ रहे। तो अगर को अगर आपसे पूछता है कहीं पे एग्जाम में आता है तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है CHR Curry-House reactions, तो आपको कहना SN2 मैकेनिज्म को ये प्रिफर करता है, फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन के जरिए ये आपका केमिकल रिएक्शंस हुआ करते हैं। तो आई थिंक आपको Curry-House reactions के बारे में क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।